कर डिजिटल भुगतान के लिए ई रूपी की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। यूपी के मिर्जापुर दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विंध्य कॉरिडोर प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास। सागर धनखड़ हत्याकांड में कल चार्जशीट दाखिल करेगी दिल्ली पुलिस, पहलवान सुशील कुमार है मुख्य आरोपी। 2 अगस्त से खुलेंगे राज्य भर में स्कूल, 9वीं से 12वीं तक की चलेंगी क्लासेस, 15 अगस्त के बाद खुलेंगे 6वीं से 8वीं के स्कूल। धाबी सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 34 अफसरों का किया गया तबादला, 15 दिनों में दूसरी बार हुआ ट्रांसफर। नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ रुष्का सिंह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 34 नौकरशाहों का तबादला किया है। पिछले 15 दिनों में धामी सरकार का ये दूसरा बड़ा प्रशासनिक फेरबदल माना जा रहा है कि इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल के बाद अब धामी राज की नौकरशाही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल की छाया से काफी हद तक बाहर आ गई है। त्रिवेंद्र राज के हैवी वेट माने जाने वाले तकरीबन सभी नौकरशाहों की कुर्सियां बदली जा चुकी हैं। अब सचिवालय से लेकर ज्यादातर जिले में सीएम धामी के पसंद के प्रशासनिक अधिकारी तैनात है। अभी फिलहाल 4 जिलों के जिलाधिकारियों का तबादला किया गया है, लेकिन अभी भी कुछ जिलों में डीएम की कुर्सी बदलने की उम्मीद है। लक्सर जिले के खानपुर विधायक प्रणव सिंह चैंपियन की पीएमएवाई की लाभार्थियों को आवास स्वीकृति पत्र सौंपे गए हैं। कार्यक्रम का आयोजन विकास खंड खानपुर के खंड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने बताया कि सरकार के द्वारा जो योजनाएं इस वक्त चलाई जा रही है उसी के अंतर्गत लाभार्थियों को आवास स्वीकृत प्रमाण पत्र वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के द्वारा जो भी योजना चलाई जा रही है उसे धरातल तक पहुंचाया जा रहा है। भारत वर्ष में 2014 से आदरणीय मोदी जी ने पदार्पण किया प्रधानमंत्री के रूप में, तब से गरीब किसान और मजदूर को असल में लाभ प्रदान होना शुरू हुआ, लाभार्थी हुए, अन्यथा उससे पहले तो सिर्फ नाम के हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि वंशवाद की सरकार थी, जैसे राजा प्रथा होती है, राजा राजा का बेटा राजा उसका बेटा राजा। तो ये जो प्रथा चल रही थी कि भाई नेहरू विकास योजना, इंदिरा विकास योजना, राजीव विकास योजना, इस पर विराम लगा। कोई गुलाम नहीं है हम, जो गुलामी के संस्कार को आगे बढ़ाएं। हिंदुस्तान स्वाधीन हो चुका है 1947 में, लेकिन असली स्वाधीनता 2014 में हिंदुस्तान को मिली, जब इंदिरा आवास योजना का नाम बदल करके प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण किया गया। उत्तराखंड में 2 अगस्त से कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए फिर से स्कूल खोले जा रहे हैं, लेकिन कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चों की अगर बात की जाए तो कक्षा 6 से लेकर 8वीं के बच्चों की कक्षाएं फिलहाल 16 अगस्त से शुरू की जाएंगी। राज्य के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने रविवार को यह निर्णय लिया। शिक्षा विभाग ने राज्य में स्कूलों को फिर से खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी की है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने ट्वीट कर सभी स्कूलों को COVID-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही जानकारी दी गई है कि जिस कक्षा में छात्रों की संख्या अधिक है वहां कक्षाएं 2 पालियों में चलेंगी। प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष ने इंद्रपाल आर्य को कांग्रेस SC विभाग का प्रभारी नियुक्त किया है। SC प्रभारी बनाए जाने पर इंद्रपाल आर्य ने प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार का आभार जताया। इंद्रपाल ने कहा कि आने वाले चुनाव में एकजुट होकर भाजपा को सत्ता से हम उखाड़ फेंकेंगे। आगामी चुनाव में जनता की आवाज बनकर कांग्रेस को सत्ता पर पहुंचाना है। शीर्ष नेतृत्व ने जो भी जिम्मेदारियां हमें सौंपी है उनका हम ईमानदारी से निर्वहन करेंगे और संगठन की मजबूती दिलाने का काम करेंगे। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट हैं
जिसमें एक सीट नैनीताल और उधम सिंह है, जिसका मुझे प्रभारी नियुक्त किया गया है अनुसूचित जाति विभाग से। मैं सभी शीर्ष नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं और माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और यहां के चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष श्रीमान हमारे हरीश रावत जी का, और जो नवनियुक्त हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं गणेश बोदाल जी का, और जो अभी भी प्रतिपक्ष नेता बने हैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पीसीसी पीतम सिंह जी का, और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजकुमार जी जो पूर्व विधायक भी हैं राजपुरा सीट से, मैं उनका भी तहदिल से। तो लालकुआं से इस वक्त हम आपको खबर बता रहे हैं जहां पर कांग्रेस के में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। आपको बता दें कि इंद्रपाल आर्या को कांग्रेस का एससी प्रभारी बनाया गया है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने इसका आभार जताया है और यह दावा किया है कि आगामी चुनाव में कांग्रेस बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। धर्मनगरी हरिद्वार में ऊषा ब्रेनो कंपनी द्वारा संचालित मनसा देवी उड़न खटोला पिछले चार महीनों से कोरोना संक्रमण आपदा के चलते बंद पड़े हुए हैं। मनसा देवी उड़न खटोला बंद होने के कारण व्यापारी सड़कों पर शुरू से ही मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि व्यापारियों ने मां मनसा देवी की मूर्ति व चित्र हाथ में लेकर प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने जनहित में मनसा देवी उड़न खटोला को जल्द खोले जाने की मांग की है। गायकी से युवाओं का दिल जीतने वाले देहरादून निवासी सुप्रसिद्ध गायक जुबिन नौटियाल ने उत्तराखंड में भू कानून को लेकर चल रही मुहिम का समर्थन किया है। उनका कहना है कि विभिन्न प्रांतों के लोगों का रुझान पहाड़ की ओर बढ़ा है, ऐसे में जरूरी है कि उत्तराखंड समेत सभी पर्वतीय राज्यों में एक ऐसा भू कानून बनाया जाए जो पहाड़ के लोगों के हितों की रक्षा करता हो। तो आपको बता दें कि प्रसिद्ध गायक जुबिन नौटियाल इस वक्त भू कानून को लेकर समर्थित दिखाई दिए हैं। आपको बता दें कि लगातार उत्तराखंड में उठ रही भू कानून की मांग को लेकर जुबिन नौटियाल ने भी उसका समर्थन किया है। उनका कहना है कि प्रदेश में इस वक्त भू कानून लाने की जरूरत है, इससे पहाड़ों पर रह रहे लोगों की सुरक्षा होगी और उनके हितों की रक्षा की जाएगी। आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा है कि उत्तराखंड समेत सभी पर्वतीय राज्यों में ऐसा भू कानून लागू किया जाना चाहिए जो पहाड़ पर रहने वाले लोगों की हितों की रक्षा करे। लक्सर वन विभाग ने 3 मगरमच्छ व 1 भारी भरकम अजगर का रेस्क्यू कर प्रकृति प्रवास में छोड़ दिया है। चारों वन जीव रिहायशी इलाकों में घुस गए थे, अब जिसके बाद उन्हें वन विभाग की टीम ने पकड़कर प्रकृति प्रवास में छोड़ दिया। बता दें कि इस्माइलपुर गांव के पास एक अजगर को कुछ ग्रामीणों ने देखा था जिसने एक जंगली जानवर को निगला हुआ था, जिसकी वजह से गांव वाले काफी दहशत में आ चुके थे। ग्रामीणों ने पूरे मामले की सूचना लक्सर वन विभाग को दी। सूचना पाकर वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने अजगर का रेस्क्यू कर उसे प्रकृति प्रवास में सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। आज सुबह तक 3 मगरमच्छ लक्सर के विभिन्न क्षेत्रों से रेस्क्यू किए गए हैं। एक मगरमच्छ कल शाम को अकोड़ा ग्राम से मछली तालाब के पास से रेस्क्यू किया गया। ग्रामीणों की सहायता से इसका रेस्क्यू किया गया और इसको सुरक्षित इसके प्राकृतिक प्रवास में छोड़ा गया। और एक अन्य मगरमच्छ लक्सर के खेड़ी कला से रात के 1:30 बजे हमें सूचना मिली थी, तो वहाँ से उसको रेस्क्यू किया गया। एक ग्रामीण के घर में आ गया था और इसको सुरक्षित रेस्क्यू करके प्राकृतिक प्रवास में छोड़ दिया गया। एक अन्य मगरमच्छ आज सुबह 9 बजे के लगभग भीकमपुर पुलिस चौकी के सामने से रेस्क्यू किया गया और इसको भी सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। लालकुआं में स्थापित जहरीली सेंचुरी पेपर मिल के प्रदूषण के खिलाफ आज नगर के व्यापारी भी लामबंद हो गए हैं। सेंचुरी पेपर मिल के ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ व्यापारियों ने बैठक कर आंदोलन की चेतावनी जारी की है। आपको बता दें कि लालकुआं में स्थापित सेंचुरी पेपर से निकलने वाले जहरीली गैस, गंदा पानी और होने वाले ध्वनि प्रदूषण से परेशान होकर व्यापारी इस वक्त विरोध कर रहे हैं।
ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ अब स्थानीय व्यापारियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। वरिष्ठ व्यापारी इस्तकार अहमद के नेतृत्व में दर्जनों व्यापारियों ने बैठक कर आंदोलन की रणनीति तैयार की। वहीं व्यापारियों ने सेंचुरी पेपर मिल से होने वाले ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। सेंचुरी पल्लवेंट पेपर मिल है, इससे ध्वनि प्रदूषण इतना तेज बढ़ा हुआ है कि इससे अगर किसी को हमें कोई फ़ोन कर रहा है तो हम उस पर फ़ोन नहीं सुन सकते और हम अपने कानों की शक्ति लगभग 50% हम खो चुके हैं। इसके साथ साथ वायु प्रदूषण इतनी तेज़ी से जहर बनके हमारे अंदर भर चुका है। अगर हम आज डॉक्टर के पास जाकर के अपना चेकअप कराएं तो उसमें अनेक बीमारियां हमारे शरीर के अंदर निकलेंगी। कान से प्रॉब्लम हो रही है हमें, हम लगा लीजिए कोई हमें कहीं से आवाज़ मारता है, हमें आवाज़ ही नहीं आती है। कई बार हम बाइक से इधर से निकलते हैं, ये इसकी इतनी तेज स्पीड से आवाज़ आती है, हमें सामने वाली गाड़ी का भी हॉर्न सुनाई नहीं देता है। ये मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस सेंचुरी पेपर मिल की वजह से। ये शौचालय जो है इसके ये बंद करा दीजिए आप इस तरीके से। ये बैठक जो है क्या कहते हैं इसी ही लिए हुई है कि ये जो आवाज़ आती है इससे हमें निजात पाई जाए, और ये जो इतनी गंदगी इतनी बदबू फैक्ट्री आ रही है, नालों पानी बहता आ रहा है, इतने लोग परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं लोग। वक्त कारखाना लोगों के लिए परेशानियों का सबब बना हुआ है। आपको बता दें कि पेपर मिल के खिलाफ लगातार स्थानीय लोग आवाज उठा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि कारखाने से जहरीली गैसें निकल रही हैं, साथ ही गंदा पानी भी कारखाने द्वारा छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लगातार उनके स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ रहा है। वहीं लोगों से अगर बात की जाए तो लोगों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए यह भी बताया है कि लगातार कारखाने से ध्वनि निकल रही है, जिसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण के चलते लोगों का रहना इस वक्त दूभर हो चुका है, जिसकी लगातार मांग की जा रही है कि कारखाने पर नियंत्रण लगाया जाए। प्रदेश में इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का रिजल्ट जारी करने को लेकर शिक्षा विभाग पूरी तरह से तैयार है। राजकीय इंटर कॉलेज लालकुआ में इंटरमीडिएट और हाई स्कूल रिजल्ट घोषित होने से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कॉलेज के प्रधानाचार्य और बोर्ड प्रभारी ने बताया कि आज इंटर हाई स्कूल रिजल्ट घोषित हो रहे हैं, जिसको लेकर सभी तैयारियां की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल से 300 से अधिक छात्र शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मात्र 10 से 12 दिन में शिक्षा विभाग द्वारा इतनी बड़ी तैयारी करना काबिल-ए-तारीफ है। हमारे यहाँ हाई स्कूल और इंटर में 300 से भी अधिक छात्र संख्या है और बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई करते हुए भी अच्छा परिश्रम किया और उनके परिश्रम का फल आज मिलने का समय आ गया है और हमें आशा है कि हमारा परीक्षा फल। पौड़ी के थाना सतपुली थाना अध्यक्ष संतोष पैथवाल के नेतृत्व में पुलिस की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम द्वारा चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 312 टिन लीसा को बरामद किया है। बरामद किए गए लीसा की कीमत करीब 1,00,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। प्रदेश भर में हो रही बारिश से जहां लोगों के लिए तमाम मुसीबतें खड़ी हो गई हैं, वहीं दूसरी तरफ बरसात कई नेताओं और ठेकेदारों की पोल भी खोल रही है। कई सालों से पोल की मांग कर रहे गढ़वाल यमकेश्वर ब्लॉक के ग्रामीणों की मांग पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों की सारी मांगे सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हम लोग जान जोखिम में डालकर बरसात के समय में नदियां पार करने को मजबूर हैं और दूसरी तरफ यमकेश्वर ब्लॉक में हर जगह बरसात की आड़ में लोगों को नदियां पार कराने के नाम पर वसूली की जा रही है। कुछ लोग नदी पार करवाने के नाम पर 500 से लेकर 800 रुपए तक की वसूली कर रहे हैं। तो इस वक्त पौड़ी में प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बरसात के चलते इस वक्त पौड़ी में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव के चलते लोगों का आवागमन इस वक्त ठप हो गया है। वहीं लोगों का आरोप है कि नदी पार कराने के नाम पर कुछ लोग वसूली कर रहे हैं। नदी पार कराने के एवज में 500 से 800 रुपए ग्रामीणों से ठगे जा रहे हैं, जिसका ग्रामीण इस वक्त विरोध कर रहे हैं।
ऋषिकेश में पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से बनी करोड़ों रुपए की सड़क हादसों को दावत दे रही है। बता दें कि बीते 7 महीने पहले लोक निर्माण विभाग की ओर से करोड़ों की लागत से वीरभद्र रोड का निर्माण कराया गया था, लेकिन 7 महीने में ही सड़क टूटने लगी और कई जगह से वह धस गई, जिसकी वजह से कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। शिकायत मिलने पर सड़क का निरीक्षण करने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष ने विभागीय अधिकारियों को फटकार लगाई और कार्रवाई की चेतावनी दी। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है ये कि जब ये सड़क अपने NH से लगाकर और एम्स को कनेक्ट करती है जो रोड, इस रोड की शिकायत बनने के समय पर मैंने 3 बार अलग अलग टाइम पे मुख्यमंत्री कार्यालय में की, मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की, लेकिन वही ढाक के 3 पात, न तो विभाग ने सुनी और न सरकार ने सुनी। बड़ा दुखद विषय है कि विभाग बिल्कुल लापरवाही पे मुझे लगता है आमादा है। ये बात तो ठीक है कि इस सड़क को देखते मेरा आज मन बहुत दुखी है और जिस तरह से ट्रक अभी धंसा है, भगवान का शुक्र भी कर रहा हूँ कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, ट्रक धंसने तक सीमित रह गया, किसी अनहोनी से बचे हम लोग। ऐसी घटना हो जाती तो मैं कैसे अपने आप को बचा पाता। विकास नगर तहसील क्षेत्र के सभावाला सहसपुर क्षेत्र में कुछ ग्रामीणों ने, मतलब बता दें कि कुछ दबंगों ने शमशान घाट की जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन से मामले की शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी कार्यवाही नहीं की गई, जिसको लेकर अब ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उप जिलाधिकारी विकास नगर को एक शिकायत पत्र भी दिया गया था, जिसके बाद लेखपाल ने मौके पर पहुंचकर जमीन पर निशान लगा दिया था, लेकिन गांव के दबंगों ने अपना कब्जा अभी तक नहीं हटाया है। तो विकास नगर से मामला सामने आया है, जहां पर शमशान घाट की जमीन पर दबंगों का कब्जा देखने को मिला है। आपको बता दें कि इस वक्त विकास नगर में ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं, उनके द्वारा लगातार कार्यवाही की मांग की जा रही है, बावजूद इसके कार्यवाही नहीं की जा रही है। ये पूरा मामला विकास नगर तहसील क्षेत्र के सभावाला सहसपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां कुछ दबंगों ने शमशान घाट की जमीन पर कब्जा कर लिया है। इसी को लेकर ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन से पूरे मामले की शिकायत की, बावजूद इसके ग्रामीणों का आरोप है कि कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। वहीं अब ग्रामीणों का कहना है कि उप जिलाधिकारी विकास नगर को एक शिकायत पत्र भी दिया जा चुका है, जिसके बाद लेखपाल ने मौके पर पहुंचकर जमीन पर निशान लगा दिया था, लेकिन बावजूद इसके दबंगों ने अपना कब्जा वहां से नहीं हटाया है। मामला आजानु है, समाज की जमीन है सारी की सारी, कोई किसी की नहीं है। अगर लगानी हो तो अपनी दे दो, जिसकी भी हो, बाकी समाज की जमीन है, ना जाए जिसमें घास बोया गया। अरे मैं नाम तो उनका अनका का नाम है इनके भाई है, नहीं का गाँव के ही अपने। अच्छा, तो शिकायत की कहीं? हाँ, शिकायत करी पुलिस भी, यहाँ जा पुलिस भी बताएगी चौंकी। क्या चाहते हैं आप? हम तो नहीं चाहे खादी हो, आज सबका सैकड़ों पर फूक रहे नहीं। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम TV के साथ। नमस्कार।